हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मंत्रा भाई नवीन सर के अंदर। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चैप्टर का नेम क्या है? लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था इसके बेसिस के बारे में, कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, क्या होता है कंपेयर करने पर, क्या लाइंस आती है, सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होता है या इनकंसिस्टेंट होता है, इन सब के बारे में हम बात की थी। अब हम पढ़ने वाले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या है हमारा? ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 and c1/c2, फाइंड आउट वेदर पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। बताना है हमें कंपेयर करके कि जो हमारा आंसर होगा, जो सॉल्यूशन होगा, वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। हमने बताया था अगर सॉल्यूशन आता है, चाहे यूनिक आए चाहे इनफाइनाइट मैंने सॉल्यूशन आए, तो हमारा आंसर क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। अदरवाइज नो सॉल्यूशन की कंडीशन में क्या होता है, हमारा आंसर इनकंसिस्टेंट होता है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट है हमारा 2x-3y = 8, 4x-6y = 9। सबसे पहले काम क्या करेंगे, हम इन इक्वेशंस को जनरल फॉर्म में लिखेंगे। जनरल फॉर्म क्या होती है हमारी, ax+by+c = 0। कहने का मतलब इक्वल में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो उसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्या हो जाएगा ये 2x-3y-8 = 0। एंड सिमिलरली 4x-6y+9 क्या हो जाएगा, -9 = 0। अब क्या करना है हमें, इनको कंपेयर करना है। तो स्टार्ट करते हैं कंपेयरिंग करना। यहाँ लिखेंगे बाय कंपेयरिंग, तो कंपेयर करेंगे कैसे करेंगे कंपेयरिंग, तो क्या करना है कंपेयर हमें, a1 a2 b1 b2 and c1 c2। कहने का मतलब कोफिशेंट ऑफ x, कोफिशेंट ऑफ y एंड कॉन्स्टेंट टर्म का क्या करना है हमें, कंपेरिजन करना है। तो स्टार्ट करते हैं a1/a2, क्या लिखेंगे a1/a2 क्या आएगा, 2/4। फिर करेंगे b1/b2 जो क्या आएगा, -3/-6। एंड फिर करेंगे c1/c2 जो क्या आएगा हमारे पास, -8/-9। अगर ध्यान दें कोई कोई चीज़ अगर कैंसिल आउट हो रही है तो वो भी हमें करनी है। जैसे ये होता है 1 टाइम, ये होता है 2 टाइम, तो क्या आ जाएगा 1/2। सिमिलरली -- कैंसिल आउट, 3 की टेबल से 1 टाइम और फिर 2 टाइम, क्या आ जाएगा 1/2। एंड इसको देखें तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन अब क्या रहेगा, कोल पॉजिटिव रहेगा 8/9। तो क्या आप बता सकते हैं यहाँ पर कि ये क्या है, कौन सा सॉल्यूशन है यहाँ पर? तो उसको लिखते हैं हम ऐसे, ये 1/2 एंड 8/9। देखिए ये दोनों तो क्या है, इक्वल है, तो यहाँ साइन क्या लगा दिया मैंने, इक्वल का, और ये इक्वल नहीं है, साइन क्या लगा दूंगा मैं, नॉट इक्वल का। अब बात करते हैं आगे, 1/2 क्या था हमारे पास, a1/a2 था, ध्यान लिख देंगे a1/a2। ये क्या था, b1/b2, और ये क्या था, c1/c2। अगर ऐसा सॉल्यूशन हमें प्राप्त होता है कि फर्स्ट टू तो इक्वल हो और ये वाला इक्वल ना हो, तो हमारा सॉल्यूशन क्या होता है वहाँ पर, नो सॉल्यूशन। क्या होता है, नो सॉल्यूशन। और अगर नो सॉल्यूशन हो तो इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स इनकंसिस्टेंट। क्या होगा, इट मीन्स इनकंसिस्टेंट। अगर आपको समझ ना आ रहा हो कि सर ये आपने कैसे लिखा, इनकंसिस्टेंट कैसे हुआ, नो सॉल्यूशन कैसे हुआ, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, हमारा पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, part 1 यानी कि lecture number 1, उसका डिस्कशन मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा 3x-y = 2, 6x-2y = 4। सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पर इन इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिख लेंगे। तो कैसे लिखेंगे, ये प्लस 2 क्या हो जाएगा इधर आकर -2, तो इक्वेशन क्या बनेगी, 3x-y - 2 = 0। एंड सिमिलरली 6x-2y + 4 हो जाएगा -4 = 0। ये दो इक्वेशन हमारी आ चुकी है, हमें क्या करना है, इनको कंपेयर करना है। क्या लिखेंगे, बाय कंपेयरिंग
कंपेयर कैसे करेंगे, ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू एंड सी वन अपॉन सी टू। तो ए वन अपॉन ए टू को कंपेयर करते हैं, या लिखेंगे ए वन अपॉन ए टू क्या होगा, थ्री अपॉन सिक्स, या लिख देंगे थ्री अपॉन सिक्स। सिमिलरली बी वन अपॉन बी टू करेंगे, यहाँ आ जाएगा b1 वन अपॉन बी टू। तो यहाँ पर y का कोफिशेंट कुछ नहीं है, मतलब 1 तो है, तो माइनस के साथ होगा, तो क्या हो जाएगा माइनस 1 एंड अपॉन ये हो जाएगा माइनस 2। सिमिलरली c1 वन अपॉन सी टू, यहाँ लिखेंगे c1 वन अपॉन सी टू जो क्या आ जाएगा माइनस 2 अपॉन माइनस 4। अगर इनको सॉल्व करें तो क्या आएगा, ये आएगा हमारा 1 अपॉन 2, ये 1 टाइम और ये 2 टाइम, ये जाएगा माइनस माइनस कैंसिल, बचेगा क्या 1 अपॉन 2, ये भी माइनस माइनस कैंसिल और टू के टेबल से जाएगा वन टाइम और टू के टेबल से टू टाइम, तो क्या बचेगा वन अपॉन टू। अब क्या करना है, हमें चेक करना है ये इक्वल है या नहीं, तो देखने से पता चल रहा है हमें कि क्या है, इक्वल है। तो वन अपॉन टू, वन अपॉन टू एंड वन अपॉन टू, यहाँ लिख देंगे वन अपॉन टू, वन अपॉन टू एंड वन अपॉन टू, ये तीनों ही क्या है, इक्वल है। और तीनों के नेम क्या क्या है, ये था हमारे पास ए वन अपॉन ए टू, ये था b1 वन अपॉन बी टू एंड ये है c1 वन अपॉन सी टू, और तीनों इक्वल है, मतलब सॉल्यूशन क्या होंगे हमारे पास, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, और सॉल्यूशन जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जब, तो क्या होता है हमारा आंसर, इनकंसिस्टेंट या कंसिस्टेंट, क्या होगा कंसिस्टेंट। जब सॉल्यूशन आता हो तो आंसर क्या होगा हमारा, कंसिस्टेंट होगा, क्या होगा कंसिस्टेंट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। तो आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड के आंसर की ओर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड है हमारा 2x-2y = 2 एंड 4x-4y = 5। हमें क्या निकालना है कि जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। तो देखते हैं, हम सबसे पहले लिखेंगे इनको जनरल फॉर्म में, तो हो जाएगा 2x-2y + 2 क्या हो जाएगा -2 = 0 एंड सिमिलरली 4x-4y + 5 हो जाएगा -5 = 0। अब क्या करना है, हमें इनको कंपेयर करना है और सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो कंपेयर करते हैं, तो लिखेंगे by comparing, तो कंपेयर करते हैं इनको, तो क्या होगा a1 वन अपॉन ए टू, यहाँ लिखेंगे a1 वन अपॉन ए टू क्या आ जाएगा 2 अपॉन 4 एंड सिमिलरली यहाँ लिखेंगे b1 वन अपॉन बी टू वो क्या आ जाएगा -2 अपॉन -4 एंड सिमिलरली c1 वन अपॉन सी टू ये क्या हो जाएगा -2 अपॉन -5। और जब इनको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 2, इनको सॉल्व करेंगे तो ये भी हो जाएगा 1 अपॉन 2 और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 अपॉन 5। तो देखिए फर्स्ट टू तो क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं और लास्ट वाला अनइक्वल आ रहा है। तो कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ पर 1 अपॉन 2 = 1 अपॉन 2 एंड नॉट इक्वल टू 2 अपॉन 5। इसको क्या कहते हैं, ए वन अपॉन ए टू इसे कहते हैं, बी वन अपॉन बी टू इसे कहते हैं, सी वन अपॉन सी टू, लेकिन ये क्या है, नॉट इक्वल है। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या होता है, नो सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन। तो जब नो सॉल्यूशन हो तो इट मीन्स क्या होगा, इट मीन्स इनकंसिस्टेंट, क्या होगा इनकंसिस्टेंट। तो आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर इसके लास्ट पार्ट यानी कि फोर्थ पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर फोर है हमारा 4x+2y = 8 एंड 2x+3y = 12। सबसे पहले क्या करना है, हमें इनको जनरल फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, 4x+2y + 8 क्या हो जाएगा -8 = 0 एंड सेकेंड 2x+3y + 12 क्या हो जाएगा -12 = 0। अब क्या करना है, हमें इनको कंपेयर करना है, तो हम करते हैं इनको अब कंपेयर। तो लिखेंगे बाई कंपेयरिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले a1 वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू एंड c1 वन अपॉन सी टू। तो लिखते हैं a1 वन अपॉन ए टू क्या आ जाएगा 4 अपॉन थ्री
अपॉन में टू। दो तरीके हैं यहाँ पर, एक तो इसके कह रहा है इसको अपॉन में टू लिख दिया जाए, तो जब अपॉन में टू लिख दिया तो उसके अपॉन में कुछ नहीं, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर वन। तो उसको क्या करते हैं, जब ये वन टू थ्री फोर बन जाए तो कैसे लिखते हैं, फर्स्ट टू एंड लास्ट टू को कर देते हैं रेसिप्रोकल, या लिखेंगे फर्स्ट टू एज इट इज एंड लास्ट टू कर देंगे रेसिप्रोकल। तो ये क्या बन जाएगा, टू से कटेगा टू टाइम और बचेगा टू, ऊपर टू बन जाए टू एंड अपॉन बचेगा थ्री, तो क्या आएगा हमारे पास टू अपॉन थ्री। अगर आपको समझना है तो एक सिंपल तरीका भी है हमारे पास, वो क्या है, जब हमें पता है कि ये 4 अपॉन 3 है, हमें क्या करना है इसको 2 से डिवाइड करना है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तब भी हमारे पास सेम कंडीशन ही आएगी। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे करते हैं हमारे b1 अपॉन b2 की ओर, b1 अपॉन b2, तो क्या हो जाएगा, b1 अपॉन b2 बन जाएगा हमारे पास 2 अपॉन 3 एंड सिमिलरली c1 अपॉन c2 या लिखेंगे c1 अपॉन c2, यहाँ क्या आएगा -8 अपॉन -12, लिखेंगे -8 अपॉन -12, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे कैंसल, ये पहले से ऑलरेडी सॉल्व है, ये भी सॉल्व है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो 4 की टेबल्स जाएगा 2 टाइम और ये 4 की टेबल्स जाएगा 3 टाइम, तो क्या बचेगा 2 अपॉन 3। तो अब देखिए ये भी 2 अपॉन 3, ये भी 2 अपॉन 3 और ये भी 2 अपॉन 3, इसका मतलब तीनों रेशियो क्या है, इक्वल है, तो यहाँ लिखेंगे 2 अपॉन 3 इक्वल्स टू 2 अपॉन 3 इक्वल्स टू 2 अपॉन 3, मतलब क्या बन जाएगा हमारे पास, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, तीनों क्या आ चुके हैं हमारे पास, इक्वल आ चुके हैं। तो जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अगर सॉल्यूशन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आए तो क्या करते हैं हम, इट मींस क्या होगा, इनकंसिस्टेंट या कंसिस्टेंट क्या होगा, अगर सॉल्यूशन आ रहा है तो क्या होगा आंसर, हमेशा कंसिस्टेंट होगा, क्या होगा, इट मींस कंसिस्टेंट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, आने वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 यानी कि एक्सरसाइज 4.1 जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों, स्टे होम स्टे सेफ, बाय बाय।